सरकार चाहे किसी की भी हो, कुछ मुद्दे सामाजिक ऐसे हुआ करते हैं कि जिन पर बात करना और उनका समाधान पेश करना जरूरी हुआ करता है। समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सियासी पार्टियां लोगों का एतमाद हासिल करके जीत जाती हैं और अपना 5 साल पूरा करने के बाद वो मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, बच्चा मजदूरी हो, करप्शन हो और इस तरह के दीगर मुद्दे हो, हम सवाल करना हमारा हक है, लेकिन हर तरह के सवाल हम नहीं करेंगे। हम सवाल वो करेंगे कि जिनसे समाज को और देश को एक रुख मुतय्यन हो सके, और उसके साथ साथ सिर्फ सवाल ही करना हमारा मकसद नहीं होगा, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियां जो हमारी होंगी हम उनको भी पूरा करेंगे। मगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो हमारे बड़ों के जिम्मे जिम्मेदारियां रह गई हैं, वो अगर उनको पूरा नहीं करते हैं तो मीडिया के माध्यम से हम उनसे सवाल करने में चूक नहीं करेंगे। सवाल पूछने से समाज का एक रुख मुतय्यन होता है और जिसको पूछना चाहिए, जिसके जरिए लोगों को जवाबदेही होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हुई मगर हल नहीं पेश किया जा सका। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी की बात करूं, तो हिंदुस्तान आज जो है 45 सालों में कभी इतना बेरोजगार नहीं हुआ जितना NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक आज हो गया है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का ये आलम है कि 2015 में जब उत्तर प्रदेश के सचिवालय में 368 पदों पर 23 लाख आवेदन किए जाते हैं, और हमें हैरत तब होती है जब उन 23 लाख लोगों में से 255 PhD स्कॉलर होते हैं। हम फिर भी ये सोचते हैं कि शायद आगे जब 2016 आएगा तो देश की स्थिति कुछ बदल जाएगी, मगर वहीं 2016 में जब हरियाणा में एक सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी पर जब MPhil के लोग आवेदन करते हैं, तो हम फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भारत के युवा की ये स्थिति क्यों है। हम फिर सोचते हैं कि शायद हालात बदलेंगे और अच्छे दिन शायद आएंगे, लेकिन मुरादाबाद में नगर पालिका का जो फिटनेस टेस्ट होता है उसमें एक छोटे से पद के लिए जब BTech, MPhil और इवन यहाँ तक कि PhD के लोग जो हैं वो आवेदन करते हैं, तो हम ये सोचने पर फिर मजबूर होते हैं कि भारत का ये पढ़ा लिखा नौजवान आज नाले में उतर करके नालियों की सफाई क्यों कर रहा है। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के बावजूद भी हमारे युवाओं की ये स्थिति क्यों है। और अगर कुछ बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि अगर कोई इंसान आपके स्टूडियो के बाहर पकौड़ा भी बेचता है तो हम उसको रोजगार मानेंगे, तो ये बहुत ही शर्म का मकाम है। कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, मगर लेबर आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल महज 2,83,000 नौकरियां ही पैदा की जा सकी। आलम तो ये है कि 2 अक्टूबर 2018 टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 68 जो हैं वो कपड़े के मील बंद कर दिए गए। गोया ये कि ये तमाम सूरत हाल हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि नई नौकरियां पैदा होना तो दूर, जो नौकरियां थी भी या जिनके जरिए लोगों को कुछ अवसर प्राप्त हो जाते थे वो भी लोगों ने छीन लिए। आज जरूरत इस बात की है कि ये यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान अगर उसको रोजगार से नहीं जोड़ा गया तो वो दूसरी तरह की चीजों में लग जाएगा, जैसा कि आज लोग लगाने की उसको कोशिश कर रहे हैं। धर्म और सियासत को जोड़ करके लोगों को अगर समाज में बांटने का काम ये सियासी पार्टियां करेंगी तो यकीनन ये समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा, और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा ये किसी का भी हिंदुस्तान हो सकता है मगर ये गांधी का या नेहरू का या अबुल कलाम का हिंदुस्तान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकार ने जो वादे किए, जिस तरीके से लोगों को समझाया और उनको भरोसा दिलाया, ठीक उसी तरीके से वो अपने वादों पर खड़े उतरे, नहीं तो ये पढ़ा लिखा नौजवान बाहर का ममालिक के सफ़र करने पर मजबूर कर दिया जाएगा, और फिर हमें अफसोस होगा कि ये हिंदुस्तान का टैलेंट, ये हिंदुस्तान की स्किल जो है वो बाहर के लोग उसका इस्तेमाल करके तरक्की कर रहे हैं, और हम अपने युवाओं को और अपने नौजवानों को रोजगार ना दे करके उन पर भी जुल्म कर रहे हैं और देश की तरक्की में खुद रोड़ा बन रहे हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप उसको प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी नॉलेज मेरे पास थी मैंने उसको इस वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो या सजेशन हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं।